शिरोमणि अकाली दल द्वारा आज पंजाब विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने पंजाब में छठा पे कमीशन लागू करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला भी रोष स्वरूप जलाया। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने कहा कि 2017 में कांग्रेस बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन पिछले 4 साल में एक भी वादे को लागू नहीं कर पाई है और कर्मचारियों के लिए कोई कदम नहीं उठा पाई है। इसी को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। हथा दे विच आज फिर जेड़े ओ पोस्टर्स लेते हुए ने गल कर दिया मुलाजमा दे मुद्दियां नु लेके आज सरकार नु असी घेरना है। देखो इस सरकार दा 2017 दा जेड़ा वड्डा वादा सी, सब तो पहला वादा सीगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉइज नु पक्के करांगे, कच्चे नु पक्के। पहली कैबिनेट च किन्नियां कैबिनेट लंघ गईयां, एक बंदे नु भी पक्का नहीं कीता, उल्टा पोस्टां खत्म करनियां शुरू करतियां ने। दूजा वादा कीता सी कि जेड़ा पे स्केल दी गल सी, पे कमीशन दी, पे कमीशन अज तक नहीं लागू होया। पे कमीशन दियां 100 तो वध ड्रामे करते मीटिंगां दे कि यह जा फैसला करना चाहते, देना ही नहीं चाहते। फिर पंजाब पे स्केल खत्म करके सेंट्रल पे स्केल लागू करना, TA DA अरेयर्स, एडा वड्डा धोखा धक्का ते फ्रॉड कि उन्होंने सारे TA DA खा गए। जिहड़ी सरकार मुलाजमां दे TA DA अरेयर्स खा जे हजारां ही करोड़ रुपया, उन्हां दी मंशा कित्थों साफ मन्नी जा सकदी। इसलिए सारे मुलाजमां दी गल, लखां मुलाजम ने रोज धरने वज रहे आ, रोज सुसाइड हो रहे। अज भी पंजाबी यूनिवर्सिटी च एक नौ उहने इंपलॉई ने सुसाइड कर ली, वाहे तनखाह नहीं मिली। इसलिए अंसारी दा केस लड़न लई पैसे है, मगर मुलाजमां नूं देण लई पैसे नहीं। ₹9.5 और जेडे रल के केस हरे है ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ 84 ਕਰਾਈ ਉਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, जिन्हें एमरजेंसी लाई ओनू ठीक समझती है। इसलिए इन्हों के चेहरे नंगे हो रहे, मगर माफी नाल नहीं मसला हल होना। सजावं किनू दित्तियां, 3000 ते वड्डे कतलेआम करने वाले जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार वो सारिआं नू तां अज तक बचा रहे। माफी जे मंगदे उन्हां नू पार्टी चों कढ़िआ नहीं, ਇਹ ਲੈਕਸਟੈਂਡ ਦੇ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।